हेलो स्टूडेंट्स, यार आज हम फॉर्म भरेंगे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का। तो कैसे सारा फॉर्म भरना है कंप्लीट के अंदर जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस पोर्टल पे आ गए हैं, अब हमको फॉर्म कैसे भरना है तो चलो देख लेते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये पोर्टल दिया गया है गढ़वाल यूनिवर्सिटी का। इस पोर्टल पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह आ चुका है। पहले आप लोग प्रोग्राम शेड्यूल देखोगे तो क्या शेड्यूल के लास्ट डेट क्या है वो भी देख सकते हो। यहाँ पे 26 तारीख ऑलमोस्ट प्रोग्राम की लास्ट डेट है। बहुत सारे प्रोग्राम की 5 अक्टूबर भी है, देख सकते हो। ये बीटेक वाले जो कोर्सेज है उनकी लास्ट डेट 5। तो स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर अपन देखिए, जैसे बीटेक आईटी के लिए जो लेटरल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 26 तारीख है ऑलमोस्ट। एंड जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं स्पेशली इन कोर्सेज के अंदर, देखो ये देख सकते हो, उनके लिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजीज में जो है 5 अक्टूबर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे, अदर अदर कोर्सेज है, ओके। अब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे को सीओटी एप्लीकेशन नंबर डालना है, साथ में यहाँ पे मेरे को जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो यार देखो, काफी सारे बच्चों को ना ये इश्यू आ रहा है कि जस्ट लाइक योर सीओटी एप्लीकेशन नंबर नॉट मैच, तो इसका क्या मीन निकलता है। काफी सारे बच्चों की क्वारी आ रही है, तो इसका सिंपल सा मतलब बता दूं इसका क्या सारा सीन है। सर इसका एक तो मतलब ये निकलता है कि आपने जो एप्लीकेशन नंबर डाले हैं ये सही होना चाहिए, साथ में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके जो स्कोर कार्ड में है वो आप सही डालना बिल्कुल, ठीक है। ये जो 11 है ये 11 तो तारीख है, ठीक है, डेट है ये, 8 जो है यानी कि अगस्त है, और ये 2005 है। इसका कॉम्बिनेशन आप जरूर मैच कर ले। इसके साथ में आपको तीसरी चीज ये देख करनी है कि आपका जो स्कोर कार्ड आया है उसके नीचे ना बहुत सारे कॉलेजों की लिस्टें दी गई है, तो उसमें आप जरूर से चेकआउट करें कि आप जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो उस कॉलेज का नाम जरूर से होना चाहिए, ठीक है। और काफी सारे बच्चों की ये क्वारी थी कि भैया मैंने पहले दिन ही उस कॉलेज का नाम ऐड किया है, तो जस्ट आप उसके लिए यार अपडेट होने में एटलीस्ट आप मान के चलो कि 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है। अगर आपने पहले दिन जाके सीयूटी के पोर्टल पे अपडेट किया हो, जैसे जो वहाँ पे करेक्शन विंडो खुला था यूनिवर्सिटी को और एड करने का, तो आप उस चीज का ध्यान रखिए कि उसमें यार 1 से 1.5 दिन लगता है अपडेट होने में, पोर्टल्स पे अपडेट होने में। तो उन बच्चों को थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, और अगर आपको अगर ये जो ऐसा जो मेरे को जो विंडो शो कर रहा है अगर आपको भी ये शो कर रहा है, तो इसका मतलब बेसिक सा यही निकलता है कि या तो आपका एप्लीकेशन नंबर गलत है, यानी कि सॉरी डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर का कॉम्बिनेशन सही नहीं है, और दूसरा ये निकलता है कि आपने इस कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो ये इश्यू था। एंड बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बहुत ही बड़ा बड़ा स्कैम कर रहे हैं बच्चों के साथ, हर कोर्स के लिए अलग अलग चार्जेस ले रहे हैं। एंड एक साथ जब उन्होंने जो भी अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज किया था तब ऐसा नहीं कहा था। काफी सारे बच्चों की क्वारी आ रही है भैया कि हमको जस्ट लाइक हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के अंदर चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं लगातार, जो हमको सारे कोर्सेज के लिए अलग अलग चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, तो यार वो काफी ज्यादा गलत है, और इसमें जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को ही देखना चाहिए, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की क्वारी आ रही है कि भैया हम अलग अलग सबमिट कर रहे हैं और हमको जो है चार्जेस जो है वो बहुत ही ज्यादा देना पड़ रहा है, यहाँ पे हर कोर्स के लिए चार्ज देना पड़ रहा है हमको, और इसके जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रोवाइड किया था इन लोगों ने एडमिशन के टाइम पे, वो भी जो है आप लोग जरूर से देख सकते हो कि क्या सारा सीन था, राइट। तो देखो फिर जैसा कि देख सकते हो कि ये जो है अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाली है, और इच्छुक विद्यार्थी इस पोर्टल पे जाके अपने आप को जरूर से रजिस्टर कर सकते हैं HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से, श्रीनगर उत्तराखंड, ओके। और दूसरा ये डॉक्यूमेंट 20 सितंबर को आया, इसमें कुछ गाइडेंस दी गई है टू फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। इसमें 27 पेज का इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन गाइड दिया हमको, और कितना कितना चार्जेस लगेगा वो भी सारा का सारा इसमें डिटेल में दिया गया। तो यार देख सकते हो,
चार्जर छुपा दे रहे हैं। अरे हमसे कुछ छुपा नहीं है कॉलेजों वाले, क्यों बच्चों को चूना लगा रहे हो तुम? इतना चूना लगाते हैं गाइस ये लोग। पहले इन लोगों ने कहा था कि मतलब ये यार कॉमन सेंस की बात है, कॉलेज वालों को ये थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए कि बच्चों के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। अब बच्चा अगर कॉलेज में अप्लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको तो पता है नहीं कि उसका कौन से कोर्स में एडमिशन होने वाला है, तो वो तो सारे कोर्स के लिए अप्लाई करेगा। अब यूनिवर्सिटी वाले हमें चूना लगा रहे कि भैया जितने कोर्स में अप्लाई करोगे उतनों का पैसा लेंगे। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफी अच्छे हैं, जैसे सीयू हरियाणा है, उसने लड़कियों के लिए एक भी पैसा नहीं लिया। एस सी एस टी कैटेगरी वाले जितने भी बच्चे थे उनसे एक भी पैसा भी नहीं लिया, बिल्कुल फ्री कोर्स फॉर्म भराया। लेकिन ये देखो बच्चों से हर कोर्स के लिए पैसे ले रहे हैं। काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि भैया हमने पहला फॉर्म सबमिट कर दिया, उसका फीस पेमेंट कर दिया, दूसरा फॉर्म का फिर से पैसा मांग रहा है, हमने दूसरा फॉर्म फिल कर दिया जो भी दूसरा मेरा सब्जेक्ट था, तीसरे फॉर्म का पैसा ले रहा है, इतना पैसा हम कहाँ से लेकर आए भैया? राइट, सो काफी सारे बच्चों के साथ ये बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। और इसके ऊपर भगवान आपको जस्ट लाइक श्रद्धांजलि दे, कॉलेज वालों बहुत गलत कर रहे हो आप लोग, ठीक है? बच्चों के साथ ऐसा ना करो, ठीक है प्यारे बच्चों? तो इस प्रकार से ये सारा सीन है। आपको अगर ऐसा इश्यू आ रहा है तो आप इस पर जरूर से अमल करें गाइस, ठीक है? थैंक यू सो मच।